हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी को लेकर मुरादाबाद के भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया गया। महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महापौर की उपस्थिति में ये कार्यक्रम धूमधाम के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई गईं। कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा गया कि भाजपा की जीत से हरियाणा का समुचित विकास होगा। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का नतीजा बताया है। हरियाणा में भाजपा ने इतिहास रचते हुए विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया। जातिवाद, परिवारवाद और माफिया राज को खत्म कर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और विकास को चुना है। मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि बिना खर्ची के नौकरी का वादा पूरा किया गया और जो उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी युवाओं के लिए वरदान साबित हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री की ईमानदारी और प्रधानमंत्री की कल्याणकारी नीतियों की सराहना की, जिससे हर वर्ग में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। जश्न मनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा? आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव का नतीजा घोषित हुआ। जो विपक्षी दलों के द्वारा भ्रामक जिस तरह से लोकसभा में लोगों में भ्रांतियाँ फैलाई गई थी आरक्षण को लेकर, और झूठे वायदे कांग्रेस के द्वारा 8500 रुपए हर खाते में, इस तरह की बातें कहकर जो लाभ वो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ले गए थे, आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लोगों ने इन्हें बता दिया कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ थोड़े दिन चलता है। और आज उनके झूठ के कारण इन लोगों ने अब के मुँह पर जनता ने हरियाणा की तमाचा मारा है और उनको उनकी असलियत दिखाई है। जो ये कह रहे थे कि भाजपा ये और भाजपा वो, आज भाजपा मोदी जी के नाम पर देश ही नहीं विश्व में परचम लहरा रहा है और देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े सदस्यों की संख्या भाजपा की है और भाजपा इसी तरह अपना परचम लहराती रहेगी। विपक्षी चाहे कितना भी भ्रामक प्रचार कर लें, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आज जनता ने उनके मुंह पर हरियाणा के नतीजों से जनता ने उनके ऊपर उनके विचारों पर तमाचा मारा है, उनको जमीन दिखाई है। क्या कहेंगे आज इस तरह से जश्न मना रहे हैं आप लोग? बड़े खुशी का विषय है और मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह भाजपा आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में एक बार फिर तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की ओर, पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी हरियाणा वासियों को, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को, संगठन को और अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ हरियाणा में जो हमारे सपोर्टर हैं उन सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सत्य की जीत, विकास की जीत और लॉ एंड ऑर्डर, महिला सशक्तिकरण जो हमारा उद्देश्य है, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र को हम आगे लेके चलते हैं और राष्ट्रवादी ताकतों की ही ये विजय हुई है। जितने भी हमारे अन्य जातिवादी की राजनीति कर रहे थे उनको हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। सर्व समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दिया और तीसरी बार भाजपा के अंदर विश्वास व्यक्त किया। क्यों? चूंकि मोदी जी ही एक ऐसे हमारे देश के नेता हैं जिन्होंने देश को एक रखने के साथ साथ नए विकसित भारत की बात की, नए भारत की बात की कि हमारा अगला भारत 2047 में जो हमारे युवा हैं उनको कैसा हम भारत देंगे, उसकी जो परिकल्पना की हुई है उसके ऊपर ये मतदान था। और इसके साथ साथ जम्मू के अंदर भी हमें 27 सीटें मिली हैं और 2 सीटें अन्य जगह, 29 सीटें लेकर हम जम्मू कश्मीर में भी अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। आने वाले टाइम में जब जम्मू कश्मीर का विकास होगा तो जम्मू कश्मीर के भी लोग भारत के और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम काम में विश्वास करते हैं,
विकास में भी विश्वास करते हैं, जातिवादी से ऊपर उठ के काम करते हैं, और यही आज एक परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को सब लोगों का आशीर्वाद मिला है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।